नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। जिस खबर को लेकर हमने आपसे दो दिन पहले बात की थी कि हम बहुत ही जल्दी आपको एक खबर बताने वाले जब लाइव आए हुए थे, क्योंकि इसी खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल ये खबर 4 अक्टूबर को लेकर है, दिल्ली के लिए 4 अक्टूबर को आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जाएगा। इसको लेकर एक फेस नोट आया है, इसमें लिखा हुआ है आंगनबाड़ी का सहायिका संगठन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी जो है 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति की सह संयोजक हैं और पूरे देश की आंगनबाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए और कहीं ना कहीं 4 अक्टूबर को सम्मेलन के बारे में जानकारी भी दी जा रही है दिल्ली में जो होना है। इसमें लिखा हुआ है जो मेन बातें हैं वो हम सब जानने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो ज़रूर रखिए। नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले तो खबर पर आते हैं, आपको बता दें कि ये खबर तो पहले की है लेकिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम जो है विरोध प्रदर्शन का दिल्ली में 4 अक्टूबर को होना है और इसी के लिए एक बैठक हुई थी। इसमें बैठक में भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति की जो CFTUI का दफ्तर मयूर विहार फेज बन नई दिल्ली में जो था, यहाँ पर बैठक में भाग लिया गया। इस मीटिंग में महाराष्ट्र से राजेश सिंह, रत्ता भगवान देशमुख, सूरमणि गायकवाड़, बिहार से कुमारी गीता जी, राम सागर साय, अमला यादव, झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा, यानी कि पूरे देश भर से अलग अलग जनपदों से लोग थे इस बैठक में। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश से नीलम सीतांजलि सावित्री चौधरी थी, गुजरात से चंपाबेन परमार, मधुबेन, अभी हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, ठीक है, राजस्थान से छोटीलाल बुनका, लक्ष्मी यादव दिल्ली, और NTU दिल्ली से जो है गौतम मोदी शक्ति, और CFTUI दिल्ली के सुरेश प्रसाद आदि जो है बैठक में सम्मिलित रहे। इससे पता चल रहा है नाम से कि अलग अलग जो है जगहों के लोग थे, ठीक है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा दें, ये देखिए तस्वीर, ठीक है, ये देखिए तस्वीर, अलग अलग जो है लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, अलग अलग राज्यों के। लेटर है उनका जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ये वही बातें हैं। यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको देखने को मिल रहा है, MA पाटिल, नीलम पांडे वगैरह, छोटीलाल गुप्ता, ये सब सिग्नेचर देखने को मिल रहे हैं। चलिए खबर पर आते थे, खबर बहुत लंबी चौड़ी है, इसमें देखिए क्या क्या बातें निकल कर आ रही है, इसको समझते हैं। जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या बात कही गई है, क्या फैसले लिए गए, उसको जानते हैं। देखिए जो मीटिंग हुई है, PMO कार्यालय जाकर कॉपी उपलब्ध कराई गई है। उस दिन 4 सितंबर को यह मीटिंग हुई थी और पार्लियामेंट स्टेट में जाकर परमिशन के लिए लेटर भी उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। परमिशन इसलिए क्योंकि प्रदर्शन वगैरह करेंगे तो परमिशन चाहिए होगा, अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए मीटिंग में फैसले क्या क्या लिए गए, नंबर वाइज फैसले जान लेते हैं। पहला नंबर है 4 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर नई दिल्ली में कृषि समिति की ओर से विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका ज्ञापन पहले ही सरकार को दिया जा चुका है। कोई भी प्रदर्शन करना होता है तो सरकार को बताना पड़ता है, अगर आप बिना बताए प्रदर्शन बड़े स्तर पर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सरकार आपको उठा भी सकती है या फिर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में जो है बता दिया गया है कि 4 तारीख को धरना प्रदर्शन, हर संगठन अपने 2 प्रतिनिधियों के नाम कृषि समिति को देगी, वहीं लोग जो है मंच पर विराजमान होंगे। MA पाटिल, छोटीलाल बुनकर और कुमारी गीता ये संयोजक होंगे और अन्य सभी राज्यों के सह संयोजक होंगे। ये समझ रहे होंगे आप लोग, जब अलग अलग राज्यों से अभी तक हम खबरें बताते थे तो एक ही क्षेत्र से एक ही व्यक्ति होता था या फिर एक ही यूनियन होता था, अब अलग अलग राज्यों से अलग अलग कई यूनियन जो है इसमें सहभागिता कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कई यूनियन मिलकर एक साथ प्रदर्शन में भाग लेंगे और कहीं ना कहीं 4 तारीख का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। 4 अक्टूबर को ये कार्यक्रम है, अलग अलग संगठनों के नेता और लोग मौजूद रहेंगे। अब आप लोगों को समझना चाहिए कि ये दिल्ली में क्यों हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार लोकसभा चुनाव 2024 है, ऐसे में बैकफुट पर लाना प्रयास होगा और कहीं ना कहीं जो मांगे मांगे पूर्ण करने का आश्वासन या फिर जो है कोई बड़ा फैसला हो ऐसी जो है इच्छा भी रहेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 4 तारीख को ये प्रदर्शन होना है। अखिल भारतीय कृषि समिति की कम से कम भी आपको बता दें जो है 2 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारियों को इस धरना में उतारेगी, 2 लाख संख्या है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा हो जाता है तो एक बड़ा जो है धरना प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिलेगा। ज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को कर्मचारी का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मद्देनजर रखते हुए चुकी मानदेय में बढ़ोतरी, आंगनबाड़ी सेवकाओं को नियमित करना, मिनी आंगनबाड़ियों को भी सेवकाओं में परिवर्तित करना आदि मांगें रखी गई। अगर आप इन सभी मांगों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए और एक लाइक जरूर करिए। अगर आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं इस जो है धरना प्रदर्शन में सभी लोग सहभागिता अवश्य करें। 8वें नंबर पर उन्होंने बताया है कि तय दिनांक तक अगर सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो 4 अक्टूबर के बाद अपनी रणनीति तैयार करके
प्रति समिति की जयपुर राजस्थान में जो मीटिंग रखी जाएगी। इस मीटिंग के आयोजक छोटीलाल बुनकर होंगे। सितंबर महीने में अपने अपने वक्ता के अनुसार अपने अपने राज्यों में धरना प्रदर्शन करके राज्यों के जरिए केंद्र शासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया जाएगा और निर्णय ले चुके हैं लोग। धरना प्रदर्शन के मंच का सूत्र संचालन सावित्री चौधरी करेंगी और दत्ता देशमुख, दोनों लोग मिलकर करेंगे जो मंच का संचालन होता है यह काम। दिल्ली के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली में आने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का रहने का प्रबंध अपने अपने संगठन करेंगे, यानी कि जो संगठन जिस भी बैनर के तले आंगनबाड़ी कर्मी जाएंगी तो संगठन रहने का प्रबंध करेंगे। सभी धरना प्रदर्शनकारी स्थल पर जो है आंगनबाड़ी यूनिफॉर्म में आएगी। अब यूनिफॉर्म इसलिए कहा जा रहा था कि पहचान हो सके, सभी धरना प्रदर्शनकारी स्थल पर आंगनबाड़ी की यूनिफॉर्म में ही आएंगी ताकि सरकार को पता चल सके कि ये कौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है 2 लाख की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मी जंतर मंतर दिल्ली में पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को जो है निश्चित तौर पर आपको बता दें सरकार तक आहट पहुंचेगी और कोई ना कोई बड़ा फैसला भी संभव है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है तमाम प्रकार के वादे पहले किए गए थे, जैसे गुवाहाट में चल रहे थे भांति बंदी में कुछ फैसला होगा, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इस कारण से ऐसी रूपरेखा बनाई गई और ये रूपरेखा बनाने के बाद ये कार्यक्रम सफल होता है तो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। आपको बता दें 12 नंबर पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म के बारे में और नीचे लिखा हुआ है बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार देश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से आह्वान किया है कि 4 अक्टूबर 2023 को जंतर मंतर दिल्ली में अपनी मांगों की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में शामिल हों और अपने आप की लड़ाई लड़े। इस तरीके की जो है खबर निकल कर आई, आप देख सकते तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अलग अलग यूनियन के लोग बैठे हुए हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं ताकि जो है सबकी फ़ोटो आ जाए। ये देख सकते हैं आप लोग प्रचार विमर्श चल रहा है, कागज की कार्रवाई चल रही है, फ़ोटो शेयर की गई है, हम तक पहुँचाई गई है। देखिए सुरेश प्रसाद और भी कई लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, नेता हैं, तैयारी चल रही है, बैठक में रूपरेखा बनाई जा रही है। मांगे प्रमुख तौर पर आपको बता दें कर्मचारी सरकारी कर्मचारी की मांग हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार गुप्तचुट्टी की मांग हो रही है, केंद्रों को नर्सरी स्कूल का दर्जा मिले और नर्सरी शिक्षा के दर्जा मिले, इस तरीके की मांगे हो रही है। देखिए तो यही है और ये आपको ऑफिशियली तौर पर लेटर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय डाक अनुवाद की मोहर लगी हुई है और ये देखिए लेटर में वही सब लिखा हुआ है। यहाँ पर भी नीचे मोहर देखने को मिल रही है, यहाँ पर सिग्नेचर भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर बैनर का नाम और इसी के साथ ही आपको ये भी सब देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री भारत सरकार और महिला बाल विकास विभाग को ये लेटर भेजा गया, सब कुछ यहाँ पर वही जो हमने अभी आपको बताया वही सब लिखा हुआ डिटेल से लिखा हुआ है। जी एस छुट्टी की मांग है और भी अन्य मांगों के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से जो है 4 अक्टूबर 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्थान जंतर मंतर है नई दिल्ली में है, यहाँ पर प्रदर्शन होगा, इसके लिए बकायदा परमिशन भी ली गई है और परमिशन लेने के बाद जो है इस तरीके की बैठक में ये सब फैसले लिए गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह धरना प्रदर्शन 4 अक्टूबर वाला सफल होगा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस चैनल में ज़रूर अपना जवाब रखें। और नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 2 लाख लोग अगर धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं तो कम से कम 10,000 लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल पर, क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन में जो भी खबर होगी जो भी अपडेट चलेगी लगातार इस चैनल पर आपको दी जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रखिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।